नमस्कार, मैं निशांत कुमार, आप देख रहे हैं बिहार न्यूज नेटवर्क। फिर से हम लोग पहुंच चुके हैं एक और पंचायत में, पंचायत की बात करने, पंचायत का विकास स्तर जानने के लिए मुखियाई से। इस वक्त हम मौजूद हैं बिहार के शेखपुरा जिले के बरेबीघा प्रखंड के तेउस पंचायत में। तेउस पंचायत की मुखिया जी हमारे साथ, इनका नाम शिंकू कुमारी। तो आइए शिंकू कुमारी जी की ओर रुख करते हैं और जानते हैं इस पंचायत के विषय में, ये पंचायत का विकास स्तर क्या है और कहाँ तक विकास पहुँचा है पंचायत का, क्या कमियाँ हैं, क्या दिक्कत इनको आ रही है पंचायत का विकास करने में। एक महिला होकर ये पहली बार मुखिया बनी है, कैसा रहा सफ़र, तो आइए जानते हैं। आप महिला होकर चुनाव जीती, कैसा रहा, कितना कठिन रहा सफ़र? बहुत कठिन सफ़र रहा, लेकिन किनका किनका सहयोग मिला? आप सारा जनता का सहयोग मिला, सारा लोग। और आपके प्रतिनिधि लोग? प्रतिनिधि लोग का भी मिला। आपके हस्बैंड का? मेरा हस्बैंड का तो बहुत 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 है, उनका भी बहुत बहुत बधाई हम उनको देते हैं, बहुत योगदान, बहुत योगदान रहा। अच्छा ये बताइए, पंचायत में विकास कुछ हो पाया कि नहीं हो पाया? अभी तक तो बहुत विकास हो चुका है, नली गली बन रहा है। नली गली बना, किस योजना के तहत? 15वीं वित्त से बन रहा है, 6वीं से बना है, मनरेगा घाट वगैरह। हाँ छठ घाट वो भी बन गया है, वो भी बन गया। विद्यालय की स्थिति कैसी आपके पंचायत के विद्यालय? विद्यालय की स्थिति बहुत अच्छी है, हम बार बार जाते हैं देखने के लिए भी। कुछ शिक्षक आते हैं समय से? हाँ समय से टीचर आ जाते हैं, 9 बजे तो 9 बजे टीचर आ जाते हैं। पंचायत में उप स्वास्थ्य केंद्र है? हाँ दो है, एक ठो काशी बीघा, एक ठो तेउस में है। किसी पंचायत में? तेउस पंचायत में। अच्छा कैसा स्थिति है? बहुत अच्छा है, हम जाँच भी देखते हैं, जाके जाँच करते हैं। अच्छा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत और मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत आपके पंचायत के लोगों को लाभ मिला कि नहीं? दोनों में लाभ मिल चुका है। प्रधानमंत्री आवास योजना में भी मिला है और मुख्यमंत्री आवास योजना में मिला है। मुख्यमंत्री आवास योजना में 20 गो की मिला है, 20 गो हम अपना हाथ से दे चुके हैं। अच्छा अभी आप जाते हैं पंचायत में, लोगों से मिलते हैं? हाँ लोगों से मिलते हैं। क्या कहते हैं समस्या के बारे में? जिसको जो समस्या होता है वो जो हमारे सहयोग में रहता है जो हम पूरा करते हैं। अच्छा मुख्य रूप से क्या समस्या निकल कर आ रही है सामने पंचायत की? अभी तो आ रहा था वही ज्यादातर डीलर वाला आ रहा है कि ये राशन की दिक्कत, राशन की दिक्कत है कि दो प्रकार से दिक्कत, 2 महीना का अंगूठा लगा लेती है और 1 महीना का राशन देती है। अच्छा डीलर जो है 2 महीना का अंगूठा लगा लेते हैं एक साथ और राशन उनको मिलता है 1 ही महीना का? 1 ही महीना के मिल रहा है। हाँ उसमें भी आदमी पर 1 किलो काट लेता है। 1 महीना का राशन मिलता भी है तो उसमें भी कटौती की जाती है? उसमें भी कटौती करती है जी हाँ। तो अभी जाते हैं लगातार जनसंपर्क अभियान चलाते हैं लोगों के बीच, सुख दुख में सारा सारा सुख में भी जाते हैं। कभी संतुष्टि में पैसा है कि नहीं? अभी नहीं आया है तो नहीं, 2 गो हम अभी बहुत प्रयास किए हैं तो 2 गो मिला है। अच्छा अच्छा पंचायत में किन्हीं की मृत्यु हो जाती है अगर वो आपके पास आते हैं या फिर आप उनके पास जाते हैं देखने के लिए, एट ए टाइम उनको जरूरत पड़ती होगी पैसों की, जो गरीब निम्न किस्म के लोग हैं, तो क्या करते हैं आप? तो उनको हम 1000-2000 रुपया हम दे देते हैं, अपने निजी दे देते हैं। हाँ अपना निजी फंड से नहीं, अपना हम पॉकेट दे देते हैं, पॉकेट दे देते हैं, पैसा दे देते हैं। आपको वापस कभी नहीं मिला? नहीं कैसे, कभी भी नहीं। चलिए धन्यवाद, ये थे हमारे साथ शिंकू कुमारी, सारी बातें उन्होंने बताई है पंचायत के विषय में, बहुत सारी समस्याओं से उन्होंने अवगत कराया है कि पंचायत में क्या स्थिति बनी हुई है अभी तक। तो देखते हैं आगे क्या होता है, हम फिर मिलेंगे आपसे एक और पंचायत को लेकर, एक और पंचायत की बात करने, एक और पंचायत का विकास स्तर जानने के लिए मुखिया जी। देखते रहे हमारे साथ बिहार न्यूज नेटवर्क।